तो गैस माओ की आप देख रहे हैं WWE फैंस नेटवर्क। तो गैस आने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने क्या कुछ ऑफिशियल किया है, क्या कंफर्म सेगमेंट्स हैं, कौन से मैचेस होंगे, क्या कुछ अनाउंसड है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिए, शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैस कल के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होगी रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट सेरेमनी के साथ, जिसे कि होस्ट करने वाले हैं द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। और यहाँ पे गैस मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि रिटायरमेंट वगैरह कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे रे मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस के बीच में एक ब्रॉल छिड़ जाएगी और इसके बाद हमें मैच ऑफिशियल होते हुए दिखेगा बैकलैश 2020 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का। तो आपको क्या लगता है क्या कुछ होगा रे मिस्टीरियो वाले सेगमेंट में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद गैस हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, और ये मैच होगा शार्लेट और फिरास्का के बीच में। सबसे बैड सेंस मुझे यहाँ पे WWE का ये लग रहा है कि शार्लेट जो है वो है करंट NXT वुमेन्स चैंप, फिर भी उन्हें आप बार बार रॉ और फिर स्मैकडाउन जैसे मेन रोस्टर में घसीटते हो, तो ये काफ़ी बैड चीज़ है और इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी गुस्सा आता है WWE पे। तो खैर वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि शार्लेट और आस्का आपस में भिड़ने वाली हैं एक चैंप वर्सेस चैंप मैच में। इसके बाद गैस हमें देखने को मिलेगा एक तरह से अपोलो क्रूज का एक ओपन चैलेंज, जहाँ पे कि वो अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। और गैस अकॉर्डिंग टू रूमर्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें एक नई टाइटल डिज़ाइन देखने को मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, यानी कि हमें एक नए तरीके का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर पॉल क्रूज का अपोनेंट कौन होता है कल के मंडे नाइट रॉ के लिए। इसके बाद गैस हमें मैच देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस और फिर एलिस्टर ब्लैक के बीच में, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी और फिर बड़ी मर्फी की हेल्प की वजह से सेथ रॉलिंस इस मैच को सक्सेसफुली जीत जाएंगे। देन हमें एक ब्रॉल देखने को मिल सकती है बॉबी लेस्ली यानी कि द पावर हाउस द ऑलमाइटी और फिर ड्रू मैकइंटायर के बीच में यानी कि द स्कॉटिश साइकोपैथ के बीच में, और यहाँ पे देखना हो कि भारी कौन पड़ता है। पिछले वीक भी हमें ब्रॉल देखने को मिली थी जहाँ पे कि बैक स्टेज रेसलर्स आके कंट्रोल कर रहे थे इस वाले ब्रॉल को, तो यहाँ पे एक बार फिर से हमें एक ब्रॉल देखने को मिल सकती है और इस बार कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सीन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से हमें मंडे नाइट रॉ में ऑडियंस देखने को मिलेगी, हालांकि वो अलग बात है कि वो ऑडियंस एक्चुअली में लाइव ऑडियंस नहीं है, वो भले ही NXT के सुपरस्टार्स या फिर परफॉर्मेंस सेंटर के ट्रेनिंग सुपरस्टार्स हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ का एरेना परफॉर्मेंस सेंटर थोड़ा भरा भरा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें WWE ने आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म किया है। फिलहाल कुछ वीक से शो बेटर जा रहे हैं WWE के, आपको क्या लगता है कैसा जाएगा कल का मंडे नाइट रॉ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इस वाले वीडियो के लिए इतना था, ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।